तो भाई लोग पूरी दुनिया में T20 लीग खेली जा रही है, T10 लीग खेले जा रहे थे, ऐसे में जिम्बाब्वे कहाँ पीछे रहने वाला था। जिम्बाब्वे कह रहा है कि भैया हम भी अपनी लीग लेकर आ गए। कौन सी लीग? जिम आफ्रो T10 लीग 2023, जिसका पहला मैच थर्सडे 20 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 10:30 PM, यानी मतलब T10 में का मैच है, 10:30 से स्टार्ट होगा तो 11:30-12 बजे के आसपास मैच खत्म हो जाएगा। वैसे भी T10 में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि 1.5 घंटे में ना जो मैच होते हैं ना, उसके वायरे नारे लग जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, मजा आता है। तो भैया पहले मैच में क्या होगा? जो पहला मैच है हरारे हुरिकेन्स वर्सेस बुलावायो ब्रेव्स के बीच में खेला जाएगा। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पहले मैच कैसा चलेगा, कौन सी टीम अपने नाम पे करेगी। वैसे अगर हम यहाँ पे जिम आफ्रो T10 लीग के फुल फॉर्म की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं जिम्बाब्वे अफ्रीका T10 लीग, जिसमें 5 टीमें हिस्सा लेने वाली है। जैसा कि मैंने पहले मैच बताया थर्सडे 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो पहला मैच हरारे हुरिकेन्स वर्सेज बुलावायो ब्रेव्स के बीच में खेला जाएगा। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच जीतेगी, उड़ा के लेके जाएगी और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है उसे जीत के साथ करेगी, आज की वीडियो में ना हम यही जानेंगे। बस आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देख डाले। अगर हम इस मैच की बात करें, हरारे स्पोर्ट क्लब हरारे में खेला जाएगा। आप सबको पता है T10 का इस मैदान पे पहली बार मैच खेला जाएगा। अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें पहले मैच के, तो 115 के आसपास का आपको यहां पे एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। टारगेट चेज की बात करें 107 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 123 123+ स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 107 से 123 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी जो मामला है ना, ये तो बराबरी का आ गया। चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहां का जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ग्रॉस है, शुरू के 1-2 ओवर जो तेज गेंदबाज है उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, नहीं तो उसके बाद जो बॉल होगा बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो मीडियम है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको 1-2 विकेट तो मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी पिटाई भी उनकी हो सकती है। इसलिए जो पहला मैच है ना आपको ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। मतलब पावर प्ले स्कोर की बात करें जो शुरू के 3 ओवर का होगा उसमें आपको 35 से 40 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 10 ओवर स्कोर की बात करें तो आपको यहाँ पे 110 से 120 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी, हरारे हुरिकेन्स या फिर बुलावायो ब्रेव्स, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले यार भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, और आपको ये भी पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या भाई, सब कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। और साथ में भाई लोग ना आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जिम आफ्रो T10 लीग के अलावा मेजर लीग क्रिकेट 2023 ये भी चल रही है, कनाडा ग्लोबल लीग ये भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग सबसे पहले हम यहां पे हरारे हुरिकेन्स की बात करते हैं। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एमएल लुइस के साथ रॉबिन उत्तप्पा ओपन करते नजर आएंगे, ये इनकी ओपनिंग जोड़ी है। एमएल लुइस की बात करें तो T20 के काफी ज्यादा कमाल के बल्लेबाज हैं, वहीं रॉबिन उत्तप्पा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है ना भैया वो तो बेहतर नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर आपको रेगिस चकाबुआ दिखेंगे जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, इनको भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिम्बाब्वे के लिए काफी T20 मैच खेला किसने, रेगिस चकाबुआ ने। चौथे नंबर पर ओएन मॉर्गन की बात करें तो आप सबको पता है ना इंग्लैंड टीम के जबरदस्त कप्तान है, जिन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया T20 में भी ODI में भी। मैं बात करें अगर हम यहाँ पे पांचवें नंबर की तो आपको यहाँ पे खालिद शाह दिखेंगे, खालिद शाह की बात करें तो यंग लड़का है लेकिन टैलेंटेड है, जो कि डोमेस्टिक T20 में काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करके आया है। छठे नंबर पे आपको दिखेंगे अफगानिस्तान का शानदार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी करने के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं और अभी काफी अच्छी फॉर्म में चल भी रहे हैं ये। सातवें नंबर पर आपको दिखेंगे इरफान पठान, अपने इंडिया वाला इरफान पठान, मतलब रॉबिन उत्तप्पा इरफान पठान, दो इंडियन खेल लेना इसमें, अभी एक और इंडियन खेल रहा आगे मैं बताऊंगा। इरफान पठान की बात करें तो अपने जमाने के सुपर स्टार थे, तो क्या वो सुपर स्टार वाली परफॉर्मेंस अभी भी इरफान पठान दे पाएंगे ना दे पाएंगे वो तो मैच वाले दिन पता चलेगा, वैसे प्लेयर ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। आठवें नंबर की बात करें तो ल्यूक जेंगवे की बात करें तो जिम्बाब्वे के लिए गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करके देते हैं। तो हरारे हुरिकेन से बोलेगा हुरी हुरी यस बाबा कर देना यार, यहाँ पे भी बढ़िया
परफॉर्मेंस करके जाना। नौवे नंबर पे आपको दिखेंगे क्रिस मोफो। क्रिस मोफो की बात करें तो भाई साहब ये भी ना काफी जबरदस्त गेंदबाज हुआ करते थे जिम्बाब्वे के लिए, मतलब अभी भी हैं, कभी खेलते कभी नहीं खेलते, लेकिन मुझे लगता है टी टेन में ना वो परफॉर्मेंस करके जिम्बाब्वे की टीम में वापसी करना चाहेंगे। दसवें नंबर की बात करें एस श्रीसंत। एस श्रीसंत को बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिलेगा। एक टाइम पे जब खेला करते थे ये तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, इंडिया की शान भी हुआ करते थे, लेकिन बीच में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ आप सबको पता है। उसके बाद अब दिखेंगे श्रीसंत कुछ बड़े मैच खेलते हुए। और ग्यारहवें नंबर की बात करें तो शहनवाज धानी जो कि पाकिस्तान से आते हैं, ऑफिशियल में आप सबने देखा होगा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अभी पाकिस्तान के लिए भी दो चार मैच खेले तो वहां पर भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी लेकिन उतनी अच्छी नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पे देखें जो हरारे हुरिकेन्स की टीम है ना, इनकी टीम काफी ज्यादा बैलेंसी नजर आ रही है क्योंकि इनके पास जो प्लेयर है ना वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जब किसी टीम के पास एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ना तो भैया मैच के सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ते हैं, तो जो इनकी टीम है काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है हरारे हुरिकेन्स की, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लो गेंदबाजी की बात कर लो, और ठीक ठाक इनके पास ऑलराउंडर भी है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे बुलावायो ब्रेव्स की बात करें तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी बेन मैकडरमट के साथ जैलोड गैम्बी खेलते नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे बेन मैकडरमट की बात करें तो आप सबको पता है ना बिग बैश में इनका जलवा तो देखा होगा, टी20 ब्लास्ट में इनका जलवा देखा होगा, अभी टी10 में जलवा दिखाने के लिए आ गए हैं। जैलोड गोम्बी की बात करें तो अभी जिम्बाब्वे की टीम में ओडीआई मैच खेला था, ठीक ठाक पारी खेली थी लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। तीसरे नंबर पर इनोसेंट किया। इनोसेंट किया की बात करें तो जिम्बाब्वे की है लेकिन कभी चलते कभी नहीं चलते किया साहब। चौथे नंबर पे आपको रियान बल दिखेंगे। रियान बल जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज है, स्टार ऑलराउंडर कह सकते हैं, जो कि बल्लेबाजी ज्यादा दमखम करते हैं, गेंदबाजी में थोड़ा सा उतना जान नहीं लगा पाते लेकिन बल्लेबाजी काफी सुपर डुपर करते हैं रियान बल। पांचवें नंबर की बात करें सिकंदर राजा। पिछले 2-3 सालों में ना ऐसा लगता है क्रिकेट सिकंदर राजा के आसपास घूम रहा है, जिस चीज को ये छूते हैं वो सोना बन जाता है। जब हाथ में बल्ला होता है तो भैया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जब हाथ में बॉल होता है तो जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, कौन सिकंदर राजा। 6वें नंबर पे आपको यहां पे अस्टन टर्नर दिखेंगे। अस्टन टर्नर की बात करते ये भी काफी जबरदस्त बल्लेबाज है, जो काफी जबरदस्त तरीके से फिनिश करते हैं टी10 में, इनको बल्लेबाजी करते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और बात करें अगर हम यहां पे 7वें नंबर की थिसारा परेरा जो कि श्रीलंका से आते हैं, परेरा की बात करें तो कमाल के बल्लेबाज हैं भाई साहब, जो मतलब लेफ्टी आते हैं और जबरदस्त तरीके से फिनिश करके जाते हैं, जरूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत गेंदबाजी ये भी कर लेते हैं। 8वें नंबर की बात करें तो टाइमल मिल्स। टाइमल मिल्स की बात करें तो जो दुबई में टी10 लीग होती है ना उसको खेलते हैं और वहां पे 2 ओवर में जो गेंदबाजी करके जाते हैं, मतलब रन भी नहीं देते विकेट भी निकाल लेते, तो टी10 का स्मार्ट गेंदबाज है कौन, टाइमल मिल्स। 9वें नंबर की बात करें तो मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान भी दुबई की टी10 लीग खेलते हैं और मुजीबुर रहमान को टी10 खेलने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये भी वहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करके जाते हैं, कौन मुजीबुर रहमान। 10वें नंबर पे आपको फराज अकरम दिखेंगे। फराज अकरम की बात करें तो जिम्बाब्वे का उभरता हुआ सितारा है, जो काफी ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है। अब देखते हैं कि इतने बड़े मैच पे अपने टैलेंटेड का परफॉर्मेंस आती है या फिर नहीं आती। 11वें नंबर की बात करें तास्किन अहमद। तास्किन अहमद ने जब से वापसी करी है बांग्लादेश के लिए दोबारा से ना हमेशा से बढ़िया गेंदबाजी करके चलते हैं और काफी गजब की फॉर्म में भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो बुलावायो ब्रेव्स की टीम है ना, इनके पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इनके पास प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास 4-5 जिम्बाब्वे के खिलाड़ी वो हैं जो लगातार जिम्बाब्वे की टीम में खेलते हैं, और जो कहते हैं ना जिनके लोकल प्लेयर मजबूत होते हैं वो टीम अपने घर में बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। तो जो बुलावायो ब्रेव्स की टीम है ना इसको थोड़ा सा घर जैसी फीलिंग आने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो एक्सपीरियंस में हरारे हुरिकेन्स की जो टीम है वो बुलावायो ब्रेव्स से बेहतर नजर आ रही है, लेकिन करेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो बुलावायो ब्रेव्स की टीम है ना इसमें ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वहीं बात करें हरारे हुरिकेन्स में जो खिलाड़ी है उसमें आधे खिलाड़ी ऐसे हैं जो काफी दिनों बाद या ब्रेक ले चुके हैं या काफी दिनों बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलावायो ब्रेव्स थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। और वैसे भी बुलावायो ब्रेव्स में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ज्यादा हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो इस चीज को इनको फायदा मिलेगा, अपना घर जैसा समझ में आएगा, होम कंडीशन जैसा इनको लगने वाला है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा सारी एनालिसिस तो कर डाली, चलो अब वो जानते हैं जिसका आप कर रहे हो इंतजार, ये जो मैच है कौन सी टीम करेगी अपने नाम। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या है कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग अगर हम यहाँ पे सारी एनालिसिस करने के बाद देखें तो मुझे जो मामला है ना वो तो बराबरी का नजर आ रहा है, 50 हरारे हुरिकेन्स एंड 50 बुलावायो ब्रेव्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना बुलावायो ब्रेव्स अपने नाम पे कर सकता है। और भाई लोग साथ में मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है ना जिम आफो टी10 लीग के अलावा मेजर लीग क्रिकेट 2023 चल रहा है, कनाडा ग्लोबल टी20 लीग ये भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली
प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो भैया ज़रूर ज्वाइन करें, बस एक चीज़ का ध्यान दें, फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसी से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।